नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप भी डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन आपका है, डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करें, इस डिजिटल बोर्ड को आप लोग चलाना सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो जितना फीचर्स है, ये क्या क्या फीचर्स है, कैसे यूज करना है सारा फीचर्स का, और ये जो आप लोग साइड वाल में देख रहे हैं फीचर्स, ये कैसे कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। सर मेरा तो अदर कंपनी का है, कौन सा कंपनी का कैसे जानेंगे, सब में दोस्त यही फीचर्स रहता है, इसी टाइप से रहता है। हम लोग सारा कंपनी का बताने वाले हैं आप सभी को, आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे पीपीटी पढ़ा सकते हैं, कैसे पीडीएफ पढ़ा सकते हैं, यदि मैथ के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, तो आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, सारा फीचर्स पे बात करेंगे। हर एक फीचर्स इसमें दिया गया है, लेकिन टीचर्स को पता नहीं चल पाता। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करें, मतलब डिजिटल बोर्ड जो ले लिए हैं वो चलाना कैसे सीखेंगे, ये पहले बात करने वाले हैं। दूसरा नंबर पर हम लोग बात करने वाले, दूसरा क्वेश्चन आपका है, डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फीचर्स होता है, मतलब जो नहीं लिए हैं तो यदि वो लेने वाले हैं तो क्या क्या आपका फीचर्स है, ये देख लीजिए आप लोग, तब लीजिएगा डिजिटल बोर्ड को, ठीक है। तो ये आज हम लोग अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर, ठीक है, जिससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप, देखिए ये जो स्मार्ट क्लास सेटअप है, इसमें किसी लोगों का जरूरत नहीं पड़ता है, एक रिमोट कंट्रोल सारा कैमरा रहता है जिसमें कि आप लोग पूरा स्मार्ट क्लास देख सकते हैं। ये जो है एक स्मार्ट क्लास सेटअप में आपका सिर्फ रिमोट से सारा काम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई वर्षों से टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, कई वर्षों से टीचर्स को ऐप बना के दे रहे हैं। यदि आप डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं, कैमरा का जरूरत है या एक सेटअप का जरूरत है, लाइटिंग सेटअप आपसे नहीं हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है, ठीक है। यदि आप सोच रहे हैं मेरा एक खुद का एप्लीकेशन हो, डिजिटल बोर्ड तो ले लिए लेकिन उसको जो क्लास लीजिएगा, बेचिएगा कहां, क्लास कहां, स्टूडेंट तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए आपको एक ऐप का जरूरत होगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन आने में। 99 किस नंबर से आप लोग कॉल कर सकते हैं, 9973725719 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं कभी भी, 24x7 मतलब कभी भी, रात में भी आप कॉल कर सकते हैं, दिन में भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी। अब देखिए, इस नंबर को आप लोग को सेव कर लेना है क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से दोस्त सेव करना है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, कंपनी का नाम हो गया क्रिएटर्स माइंड। आपको क्या करवाना हो, आपको हो सकता है आपको ऐप बनवाना हो, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आज की वीडियो में जैसे बताएंगे कैसे यूज करना डिजिटल बोर्ड को, तो थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में बता देते हैं, ये अभी आप ही लोग के लिए है, ठीक है। क्रिएटर्स यदि आपको ऐप बनवाना हो, सपोज दैट आपको क्या करना हो, आपको वेबसाइट बनवाना हो, ठीक है, आपको ले लिए हैं डिजिटल बोर्ड तो ले लिए हैं लेकिन नोट्स नहीं बना पा रहे हैं अपने से, बहुत समय लग रहा है पीडीएफ बनाने, पीपीटी बनाने, आपको नोट्स बनवाना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, 9973725719। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर लीजिए, आप कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता उस टीम से जिससे लोग लेते हैं, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं, जरूर हमारा टीम सपोर्ट करेगा। लाइटिंग सेटअप कैसे करना है, कौन सा कैमरा बेस्ट होगा, कौन सा मॉनिटर, कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा, कैसे ऐप बनवाना है, कहां से ऐप बनवाना है, तो ये जो है क्रिएटर्स माइंड कंपनी टीचर्स के लिए है, और एक ही जगह पे, एक छत के नीचे आपको सारा सामान मिल जाएगा। होता है ना, एक छत के नीचे सारा सब्जी मिलता है, उसी टाइप से यहां पे एक छत के नीचे आपको टीचर्स हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा। तो आप लोग इस नंबर को सेव कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या है आज हम लोग का, इस डिजिटल बोर्ड जैसे है, ठीक है, हो सकता है आपका होम पेज इस टाइप से हो, या हो सकता है आपका दूसरा डिजाइन में हो, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सारा जितना भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड है, सारा कंपनी का डिजिटल बोर्ड का यही इसी टाइप से फीचर्स रहता है। अब हम लोग चलते हैं अच्छे तरीके से चीजों पर। देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग यहाँ पे चलेंगे, साइड में चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 आपके पास फीचर्स है। यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो है साइड में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं क्या क्या फीचर्स हम लोग को साइड में दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए ये चीज दिया गया, क्या है, 3 फीचर्स है, 3 जो है आपका सिंबल दिया गया है, ये तीनों के मतलब के बारे में हम लोग को सबसे पहले समझना है। अब देखिए, जैसे आप लोग मोबाइल लेते हैं, क्या लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो यहाँ पे 3 बटन रहता है, ठीक है, रहता है ना 3 बटन, ये क्या रहता है, बीच वाला बटन किसको क्या बोलते हैं, ये रहता है होम बटन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका रहता है होम बटन, ठीक है, क्या रहता है, होम बटन, ठीक है। ये जो साइड वाला बटन रहता है, ये क्या रहता है, बैक बटन, कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग बैक कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। और ये जो बटन रहता है, ये क्या रहता है, क्लियर ऑल या क्लीन ऑल करने वाला, क्या रहता है, क्लीन ऑल, मतलब जितना भी हम लोग ऐप खोले होंगे, जो भी चीजें खोले होंगे उसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं, ये 3 बटन। तो सेम एज इट इज, ये जो 3 बटन है, ये जो बटन है, ये बटन पहला बटन, इसको हम लोग बोलते हैं बैक बटन, कोई भी चीज को बैक, ये सिंबल से भी जाना जाता है, आप लोग भी टीचर्स हैं, ये सिंबल से आप लोग जान जाइएगा ये किस टाइप से लग रहा है, बैक बटन की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो दूसरा नंबर में ये घर का चित्र बनाया हुआ है, घर का, इसको बोलते हैं होम बटन, क्या बोलते हैं इसको, जैसे यहाँ पे देखिए बीच में जैसे मोबाइल में रहता है, कहीं भी
आप कोई भी पेज पे हैं, तो बीच वाला बटन को क्लिक करते हैं मोबाइल को, तो किस स्टेप से आ जाता है, आप बीच में आ जाते हैं होम बटन पे, जैसे आपका मोबाइल खुलता है ऑफ वैसे रहता है, तो ये हो गया आपका। यहाँ से आ गया क्लीन ऑल, आप जितना भी ऐप को खोले हैं, जितना भी डिजिटल बोर्ड में पीडीएफ से पढ़ाए हैं, पीपीटी से पढ़ाए हैं, गूगल पे गए हैं, ये सारा चीज को आप हटा सकते हैं कहाँ से, ये वाला बटन से। तो हम लोग पहले समझ गए तीनों चीजों के बारे में। यदि किसी को परेशानी होता है तो आप कॉल कीजिए, आपका डिजिटल बोर्ड में फीचर्स अलग दिया गया है तो आप कॉल कर सकते हैं हमें, ठीक है। और कोई भी टॉपिक पे यदि वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है ये फीचर्स, ये जो है चौथा नंबर में, इसको बोलते हैं नोट सॉफ्टवेयर। नोट सॉफ्टवेयर में क्या आता है ना, नोट सॉफ्टवेयर मतलब इससे पढ़ा सकते हैं, जैसे पहले व्हाइट बोर्ड का आप यूज करते होंगे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का यूज करते होंगे, तो नोट सॉफ्टवेयर में सारा तरह का बोर्ड है, सब कुछ। तो नोट सॉफ्टवेयर ही सबसे महत्वपूर्ण वाला चीज है, तो इसको हम लोग जानेंगे थोड़ा देर बाद। ये क्या हो गया, ये आपका फाइल मैनेजर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका फाइल मैनेजर। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं ना छोटा सा, ये क्या है, सपोज दैट ये आपका छोटा सा मोबाइल है, क्या है, छोटा सा मोबाइल, यही समझिए तो एक बड़ा मोबाइल आपके पास यहाँ पे लगाया दिया गया है, क्या है, यहाँ पे एक बड़ा मोबाइल लगा दिया गया है। सेम एज इट इज, कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं है जो अलग है, और सीखना भी भारी नहीं है, आसान है सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या जाने, ये जो है आपका, ये जो बटन आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं फाइल मैनेजर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया क्रोम बटन, जिसको कि आप लोग वेबसाइट यूज करना है, आपको वेबसाइट पे कोई भी चीज सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है, तो ये आप क्रोम मतलब कोई भी ब्राउजर, ये जो है बड़े ब्राउजर है, क्रोम है, कोई भी ब्राउजर पे आप जाके चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारा आपका ऐप्स रहेगा, जैसे प्ले स्टोर है तो यहाँ पे क्या है, सारा आपका ऐप्स रहेगा, जितना जैसे आपका ऐप है यहाँ पे सारा दिखा रहा है, कोई भी आप ऐप को डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो डाउनलोड होकर यहीं पर आपका आएगा। तो हम लोग ये जान लेंगे जो भी ऐप है ये यहाँ पे आपका रहता है, ये जो है इस नंबर पे, ठीक है। ये चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ से आप लोग यदि सपोज दैट ओपीएस, एक आता है ओपीएस, ओपीएस क्या होता है आपका डिजिटल बोर्ड, ये क्या बोले आपको अभी बड़ा मोबाइल है, तो इसको बोलते हैं एंड्रॉइड। यदि आप विंडोज में भी लेना चाहते हैं ओपीएस को, तो मतलब विंडोज में भी आप चलाना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड को, तो उसके लिए ओपीएस लेना पड़ता है। तो ओपीएस को बदलने के लिए यहाँ से आप लोग बदल सकते हैं, आप जो भी HDMI 1 में या HDMI 2 में लगाए होंगे तो यहाँ से आप लोग बदल सकते हैं ओपीएस को। ये आपका पेन हो गया, जैसे कि अभी हम लोग चला रहे हैं, ये इसी पेन की मदद से चला रहे हैं, पीडीएफ पे लिखना है, पीपीटी पे लिखना है, तो हम लोग इसी पेन की मदद से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, सपोज दैट आपका जो है मोबाइल करना है, क्या है, मोबाइल को कनेक्ट करना है किसी डिजिटल बोर्ड से, या लैपटॉप को कनेक्ट करना है, जो चीज लैपटॉप में चलना है, मतलब चला रहे हैं फिल्म सपोज इसमें चला रहे हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप को ही कनेक्ट कर दीजिए अपने डिजिटल बोर्ड से, जो लैपटॉप में देख रहे हैं वही आपका डिजिटल बोर्ड पे दिखाएगा, जो मोबाइल में देख रहे हैं वही आपको डिजिटल बोर्ड पे दिखाएगा। तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 6 डिजिट का कोड मिलता है, अपडेट करने का अभी ऑप्शन आ रहा है, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे आपको देखिए कोड मिलता है 6 डिजिट का, जैसे ही हम लोग अपडेट करेंगे यहाँ पे, तो 6 डिजिट का कोड मिलेगा, वो आप मोबाइल में दीजिएगा तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर में दीजिएगा तो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा आपका डिजिटल बोर्ड, समझ रहे बातों को। तो ये हो गया, ये जो 6 डिजिट का कोड देखिए आप, यहाँ से सपोज दैट आप पढ़ा रहे हैं तो आप टाइमर सेट करना सकते हैं बच्चे को, सपोज दैट आप दिए जो आपको 1 मिनट है, कितना है 1 मिनट है इस सवाल को सॉल्व करने में, तो टाइमर लगाना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं। अभी हम 1 मिनट के लिए यहां पे देखिए, सपोज दैट अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ले आते हैं जगह पे, ठीक। अब 1 मिनट हम लोग समय दे रहे हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए बच्चे को बताएंगे 59 सेकंड बचा हुआ है, 58 सेकंड बचा हुआ है, 56 सेकंड बचा हुआ है। तो आप अपने ऑफलाइन क्लास को और बेहतर बना सकते हैं या ऑनलाइन को भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें अपना मन है, आप 20 सेकंड का भी टाइम लगा सकते हैं, 2 मिनट का भी, जिस तरह से सवाल रहेगा, जिस टाइप से रहेगा, उतना समय आप दे सकते हैं, समझ रहे बातों को। तो ये चीज़ हो गया आपका, और ये जो फीचर्स है इसमें जो है 4-5 फीचर्स है, तो हम लोग समझेंगे इसको थोड़ा लास्ट में, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग पहले क्लीन ऑल कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या हटा देते हैं सबको। अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में, ये जो सॉफ्टवेयर है देख रहे हैं, नोट सॉफ्टवेयर क्या है, नोट सॉफ्टवेयर, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही नोट सॉफ्टवेयर पर आप लोग क्लिक करते हैं तो ये आपका सॉफ्टवेयर इस टाइप से ओपन हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। ये आपका हो गया नोट सॉफ्टवेयर, सबसे ज़्यादा टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो नोट सॉफ्टवेयर में पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ लिखना हो, कोई भी चीज़ करना हो, तो ये लोग नोट सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि टीचर का आदत रहता है पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का, जैसे ये देखिए ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, टीचर्स का आदत रहता है व्हाइट बोर्ड पढ़ाने के लिए। अब देखिए तो इसमें अब कई सारा फीचर्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा फीचर्स दिया गया है, और ये फीचर्स के बारे में हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक के फीचर्स के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बैक कर देते हैं, और अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, ये वाला पूरा फीचर्स के बारे में जानने में। अब देखिए है ये क्या चीज़, पहले एक एक फीचर्स पे एक एक वीडियो लोग बनाते हैं, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल रहा है, इसलिए थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जानकार होगा, आपको कहीं भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यदि आप भी ऐप बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, या आपको डिजिटल बोर्ड लगवाना है, डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं, दोबारा लेना है, कैमरा लेना है, तो आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, या आप लोग मोबाइल नंबर फिर से आप लोग लिख दीजिए 9973727257 519, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है
ये अब हमको क्या करना है, सपोज दैट बैकग्राउंड अभी ब्लैक है सर, हमको ग्रीन करना है, तो ग्रीन करने के लिए क्या करना है, ये देखिए मेनू बटन, मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, आप लोग देख रहे हैं मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपका थीम का ऑप्शन आ रहा है, यह नीचे से तीसरा नंबर पे थीम का ऑप्शन आ रहा है, थीम पे जैसे ही चलेंगे तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट आ रहा है, आपको जो भी टेम्पलेट लेना है, आपको सपोज अगर बच्चों को पढ़ाना है तो ये भी ले सकते हैं टेम्पलेट, चूज कर सकते हैं, इसको भी चूज कर सकते हैं, तो अभी हम लोग ब्लैंक टेम्पलेट लेते हैं इस टाइप से। अब हमको बैकग्राउंड आप बोले ग्रीन करना, हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, ग्रीन कर दिए और ओके कर दिए, अब ये मेरा क्या हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, जिस टाइप से आप लोग ग्रीन बोर्ड को पढ़ाते थे। सर हमको बैकग्राउंड अलग करना है, तो बैकग्राउंड अलग करने के लिए क्या जाना है, आपको मेनू पे जाना है, क्या है राइट साइड में आपको जो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है आपका, यहाँ से जो है इस साइड में मेनू मिल जाएगा, मेनू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो थीम मिल जाएगा, जो भी आपको बैकग्राउंड देना हो, जो भी बैकग्राउंड कलर लगाना हो, वाइट करना हो तो यहाँ पे वाइट देखिए तीन कलर का है, पिंक हो, जो भी कलर करना है, रेड करना है, ग्रीन करना है, वाइट करना है, ब्लैक करना है, जो भी कलर करना है यहाँ से आप लोग चेंज करके लगा सकते हैं, उसके बाद फिर ओके कीजिएगा, ये आपका क्या हो गया वो कलर लग जाएगा, तो यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, पहले समझिए चीज़ों को, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम लोग को जाना है मेनू बटन पे, मेनू बटन पे इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो तीसरा नंबर में, नीचे से तीसरा नंबर में थीम पे जाएंगे, यहां से हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो मेनू बटन का भी बहुत सारा काम है। अब देखिए पहला काम क्या है, एक हमको न्यू पेज को ऐड करना है, नया पेज बनाना है, तो हम लोग न्यू पे ऐड करेंगे, कोई भी चीज़ को ओपन करना है तो यहाँ से ओपन करेंगे, अब जो भी चीज़ लिखे हैं सपोज दैट यहाँ हम लोग कुछ भी लिखे हैं इसको हमको सेव करना है, ठीक है, जिससे कि बच्चों को हम नोट्स दे सकते हैं लिखा हुआ, यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं। अब सेव एज ए, सेव किस में करना है, आपको फाइल मैनेजमेंट में कहाँ करना है, ये सारा चीज़, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, कोई भी चीज़ को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, सपोज दैट कोई फोटो है डिजिटल बोर्ड पर लाना है तो यहाँ से कर सकते हैं, या किसी को भेजना है तो हम लोग एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट से कर सकते हैं। यहाँ से थीम जैसे बताया कि आपको चेंज कर सकते हैं, सेंड ईमेल, ईमेल भेज सकते हैं, सेटिंग में कुछ कुछ है वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं, वो आपका जरूरत का काम नहीं है, ठीक है। तो इतना चीज़ ये आपका मेनू में दिया गया है, समझ रहे बातों को। अब देखिए क्या बताया गया आपको, वीडियो लंबा होगा लेकिन बेहतरीन होगा, ठीक है, आप लोग समझिएगा। अब है एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज़ को आप लोग यदि अंदर जाते हैं, मॉल में जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे, स्कूल में भी जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, तो क्या होता है आप इंटर करते हैं फिर एग्जिट करते हैं, निकलते हैं। अब हमको ये डिजिटल बोर्ड यहाँ पे है इस पेज पे, हमको निकलना है तो एग्जिट कर देंगे। अब सपोज दैट हम लोग क्या है, ये तो निकल गए, दूसरा फीचर्स भी जान गए, सपोज दैट हम लोग जो भी पढ़ाए हैं इसको बच्चों को शेयर करना है, तो हम लोग शेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो एक QR कोड यहाँ जनरेट हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा कि जनरेट एक QR कोड जनरेट होगा, इसको आप लोग मोबाइल से जैसे ही स्कैन कीजिएगा तो आपके पास पूरा पढ़ाया हुआ PDF हो जाएगा। अभी देखिए हम कितना चार पेज पढ़ाए, मतलब अभी हम चार पेज पढ़ाए हैं, ये चारों पेज का मेरा इसमें क्या होगा, स्कैन जैसे ही करेंगे यहाँ पे तो मेरा स्कैनर यहाँ पे सेव कर देगा, हम इसको बच्चे को सेंड कर सकते हैं। अब देखिए लिस्ट मतलब होता है जितना पहले आप पढ़ाए थे सारा आ जाएगा, आपको जो भी पढ़ाना है यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको चूज करके पढ़ा सकते हैं, समझ रहे बातों को, ये इसको बोलते हैं लिस्ट, ठीक है, जो भी पहले पढ़ाए थे। अब सपोज दैट आज है चार तारीख, आपको दो तारीख का निकालना है तो लिस्ट में चले जाइए तो दो तारीख का भी आपको मिल जाएगा। फिर क्या बोले, कहीं भी कोई भी परेशानी है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। अब देखिए सेलेक्ट बटन है, सेलेक्ट मतलब होता है सपोज दैट हमको कोई भी चीज़ करना है, क्या करना है, सपोज दैट कोई भी चीज़ जो हमको यहाँ पे अच्छे तरीके से अच्छा अक्षर बना नहीं बैठता है, अच्छा अक्षर सपोज दैट बैठाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्रिएटर्स माइंड, कंपनी का नाम क्या हो गया, क्रिएटर्स माइंड, CREATORS, क्रिएटर्स माइंड, MIND, क्रिएटर्स माइंड हम लोग लिख दिए। अब हमको अच्छा राइटिंग बैठाना है तो सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, किस पे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको बता रहे हैं सेलेक्ट का यूज, सेलेक्ट का क्या क्या यूज है, क्या क्या उपयोग है, समझ रहे बातों को। तो अब देखिए सेलेक्ट कर दिए तो ये क्या हो गया, आप क्रिएटर्स माइंड अच्छा से नहीं लिखा हुआ, इसका हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। अब वाइड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज दैट रेड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई भी कलर को चेंज कर सकते हैं चारों में से। अब स्मार्ट राइट, अब क्रिएटर्स माइंड है, इसको अच्छे तरीके से हमको लिखना है तो हमको क्या कर सकते हैं, AB पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अच्छा अक्षर आपको बैठा देगा क्रिएटर्स माइंड। अब हमको इसको क्या करना है, फ्लिप करना है, उल्टाना है, हम लोग यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। अब इसको टॉप पे ले जाना है, ऊपर पे टॉप पे ले जा सकते हैं, इसको हमको डिलीट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, सारा सिस्टम आपका सेलेक्ट में दिया गया है। तो अब हमको सर्च करना है, सर्च वाला चीज़ दिया गया, हमको गूगल पे सर्च करना है तो सिर्फ सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे, ये अपने आप हमको गूगल पे लेकर चला जाएगा, सिर्फ आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो ये देखिए गूगल पे लेकर आ गया, क्रिएटर्स माइंड 1-स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एडुकेटर, मतलब यदि आप भी एक टीचर हैं, आप
आप भी एक स्कूल चलाते हैं, आपको ऐप चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो आप कौन सा कंपनी से मिल सकते हैं? क्रिएटर्स माइंड कंपनी से मिल सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो समझ गए बातों को। अब हम लोग को क्या बताया था आपको, अभी ही आप लोग बैक का यूज सीख गया। क्या बताया था, जैसे मोबाइल में तीन बटन होता है, तो उसी तरह ये तीन बटन, आपको बैक जाना है तो बैक पर क्लिक कर देंगे एक बार, तो जहां पे थे वहां पे आ गए। एक बार बैक हो गया, जहां पे थे वहां पे आ गए हम लोग। तो हम लोग किसका यूज सीखे, सेलेक्ट का यूज सीखे। अब हम लोग को देखिए, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, सपोज दैट ये भी चीज़ लिख रहे हैं, इसको हमको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग इसको भी स्टेप से डिलीट सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे, तो ये पूरा डिलीट हो गया। अब हम लोग यूज सीखेंगे पेन का, ये जो है दूसरा नंबर में पेन का क्या यूज है। तो पेन देखिए, सबसे पहले से आपको इस टाइप से पेन दिया जाएगा, एक तरफ पतला रहेगा, एक तरफ मोटा रहेगा, इस टाइप से पेन, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा ना, एक तरफ से आप क्या कर सकते हैं, सपोज हम लोग येलो कलर में लिखे और दूसरा तरफ से हम लोग व्हाइट कलर में, तो आपका सबसे पहला पेन का ये खासियत होता है, दो तरह से आप लोग लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या है, सपोज दैट कोई भी मैच के टीचर है, किसके, मैथमेटिक्स के कोई भी टीचर है, सपोज दैट उसका पढ़ाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो पढ़ा रहे हैं, इसका क्या पढ़ा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जो भी है। अब इस अच्छा देखने में नहीं लग रहा, इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, क्या कर देंगे, चारों तरफ से इसको घेर देंगे, ठीक है, अलग कलर से। अब कितना अच्छा देखने में लग रहा है, तो ये बेनिफिट्स होता है दो कलर का पेन का। ये व्हाइट बोर्ड में ये आनंद नहीं आएगा, ये मज़ा नहीं आएगा आपको, ये जो मज़ा है आपको इसमें आएगा, समझ रहे बातों को। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, अब देखने में भी अच्छा लगता है, स्टूडेंट को क्या चाहिए, ये भी चाहिए, अच्छा चकाचक लगना चाहिए देखने में। अब क्या है, चार तरह का यहाँ आपको पेन दिया जा रहा है। अब जिस टाइप से पतला लिखना, आपको मोटा लिखना, बहुत पतला लिखना, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। एक दिया गया है आपका मैजिक पेन, ये जो है आपका मैजिक पेन है, मैजिक पेन मतलब होता है, सपोज दैट इसको हम लोग चूज कर लेते हैं मैजिक पेन को, ठीक है, दोनों में मैजिक पेन को। अब हम लोग कुछ भी जो लिखेंगे तो वो अपने आप क्या बना देगा, कुछ भी चीज़ों को, सपोज दैट ये पूछ रहा है जो आप छाता बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस टाइप से ब्रश बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ वो बना देगा। हम जो है इस टाइप से लिखें तो वो समझ रहा है ये जो है अलग चीज़, बैट बनाना चाह रहा है। ये आपका मैजिक पेन का जादू है, आप बच्चे को इस टाइप से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए हम लोग यहाँ बनाए हैं तो वो समझ रहा है इस टाइप से सर्कल वगैरह बनाना चाहता होगा कोई भी चीज़, तो ये चीज़ जो है मैजिक पेन का क्या है, ये जादू है। इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सपोज दैट ये आप ले सकते हैं, तो ये मैजिक पेन एक दिया गया है, इसमें आप लोग मैजिक पेन में यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, दोनों तरफ का दिया गया है, दोनों तरफ अलग अलग कलर भी चूज कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम कलर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर देखिए कितना सारा कलर है, आप कोई भी कलर को आसानी से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इरेजर के बारे में। इरेजर मतलब तो बचपन से आप लोग सिखाते आ रहे होंगे स्टूडेंट को भी, आप भी, इरेजर मतलब होता है मिटाना, इरेज करना। अब कोई भी चीज लिखे हैं, इसको हमको मिटाना है, यहाँ पे क्या करना है, इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इरेजर से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा सपोज दैट लेक्चर आता है, यहाँ से पूरा लाइन लिखा हुआ, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ मिटाना है, हम लोग इरेजर पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, इरेजर पे आएंगे, इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे इरेजर को। अब हम लोग को जहाँ जहाँ मिटाना है, यहाँ का हम लोग आसानी से मिटा, उतना दूर का ही हम लोग मिटा सकते हैं, इसी का फायदा है इरेजर का। अब आपका है चौथा नंबर में क्लीन और, सपोज दैट पूरा भरा हुआ है बोर्ड को, भरा हुआ, अब एक एक करके तो हाथ से भी नहीं मिटाएंगे, या इरेजर से एक एक करके ऐसे करके नहीं मिटाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा मिटाना है, तो हम लोग क्लीन ऑल करेंगे तो ये पूरा अपने आप मिट जाएगा। तो हम लोग क्लीन ऑल के बारे में समझे। अब है रूलर। अब देखिए सपोज दैट हमको 10 सेंटीमीटर, कितना, सपोज दैट हमको 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है, एक क्या खींचना है, एक यहाँ सपोज दैट हम लोग को 10 सेंटीमीटर, ये क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का ये स्ट्रेट लाइन खींचना, कितना स्ट्रेट लाइन एक खींचना है, जिसका लंबाई कितना होगा, जिसका लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, समझ रहे, 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। तो कैसे खींच सकते हैं, सपोज दैट रेखा यदि हमको खींचना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रूलर लेंगे, रूलर में यहाँ पे जो हम लोग इसको चूज कर लेंगे, और हम लोग यहाँ 10 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पे रख दिए, 0 पे रखे, और हम लोग 10 पे जाएंगे और हम लोग सेट कर लेंगे, ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये पढ़ाने में कितना बेहतरीन लग रहा है, समझ रहे ना बातों को, कितना बेहतरीन। सपोज दैट हमको अभी क्या करना है, एक कोण बनाना है, एक क्या बनाना है, एक कोण बनाना है, एक एंगल बनाना है, जिसका कि कितना क्या होगा, एंगल 30 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग कितना डिग्री कोण बना लिए, हम लोग 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बना लिए, कितना है 30 डिग्री। अब हम लोग को 90 डिग्री का एक कोण बनाना है यहीं पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का इजीली कोण बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रख देंगे और हम लोग 90 डिग्री बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब कितना अच्छा हो गया पढ़ाने में, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसको हम लोग सही तरीके से स्टूडेंट को बता सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये आपका सी है। तो जो भी चीज़ है यहाँ से रूलर वगैरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको काम को कर सकते हैं। अब देखिए रूलर के बाद शेप, हम लोग को सपोज दैट सर्कल करना, पहले हम लोग क्लीन कर देते हैं, क्लीन ऑल कर दिए, हट गया। अब हम लोग शेप के बारे में जानेंगे, हम लोग को सर्कल बनाना है, यदि हम लोग सर्कल बनाते हैं
तो ये क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। हम लोग यहाँ पे आएंगे सर्कल, अब हम लोग चूज कर लेंगे सर्कल को, ठीक है। सपोज सर्कल को चूज कर लिए, अब जैसा बनाना है हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उतना बड़ा बना सकते हैं, छोटा से छोटा बना सकते हैं, बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, जितना छोटा बनाना है उतना छोटा बना सकते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो हम लोग को सपोज दैट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, समझ रहे बातों को। अब हमको क्या बनाना है, सपोज दैट एक ट्रायंगल बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल बना सकते हैं, समझ रहे बातों को। तो इस टाइप से सारा चीज आपको यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ये सारा एक फीचर्स होता है डिजिटल बोर्ड का, कई सारा यूज है। तो जो सीख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए, एक बार वीडियो को रोकिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है, समझ रहे बातों को। अब देखिए, अब है शेप में कितना शेप है, इस टाइप से आप मैथ के टीचर हैं तो कोई भी शेप को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं। एरो देना है तो आप एरो का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यहाँ से सारा चीज़ का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे क्लीन ऑल, क्लीन ऑल या क्लियर ऑल का ऑप्शन आएगा, क्लीन ऑल कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पार्टीशन पे, सपोज दैट पहले का टीचर जैसे हमको तीन पार्ट में बांटना है, कोई है चीज जिसका पार्ट वन यहाँ पे होगा, जिसका पार्ट टू क्या होगा, पार्ट टू यहाँ पे होगा, ठीक है, और पार्ट थ्री क्या होगा, पार्ट थ्री यहाँ पे होगा, पार्ट थ्री यहाँ पे होगा। अब हमको तीन पार्ट में बांटना, पहले के टीचर्स जानते हैं व्हाइट बोर्ड पे जो पढ़ाते थे या ब्लैक बोर्ड पे, तो ये कौन सा पार्ट इस पार्ट में इसको मिला के इस पार्ट में इसको मिला देते थे। लेकिन अब क्या आ गया ना समय में, अब इसको क्लीन और करेंगे, पार्टीशन आ गया, अब तीन भाग में अपने आप डिजिटल बोर्ड बट जाएगा। जो कलम यहाँ से यहाँ तक आगे चलेगा ही नहीं, यहाँ से हम अलग कलर दे सकते हैं, यहाँ से इधर आएगा ही नहीं, मतलब इसका पार्टीशन हो गया। तो ये जो है ये लास्ट है उसका, समझ रहे बात आपको। तो तीन भाग में आप लोग देख रहे हैं, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है। इस इधर से इधर आएगा ही नहीं, ठीक है, इधर से इधर आएगा ही नहीं, कितना भी करेंगे तो नहीं आएगा, इधर से उधर नहीं जाएगा। तो ये तीन पार्ट में बट गया। सर हमको दो पार्ट में बांटना है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो दो पार्ट में बांटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपका आ गए, ठीक है, जैसे इस स्टेप से। और यहाँ पे देखिए आपको क्या है, थ्री डॉट, सबसे नीचे में थ्री डॉट है, यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है ऑप्शन स्प्लिट स्क्रीन, ये दो पार्ट में अपने आप आ जाएगा। हम लोग स्प्लिट स्क्रीन क्लिक किए तो अब जो है आपका ये स्क्रीन दो पार्ट में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, आप लोग देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन पे जैसे हम लोग करते हैं, अच्छा अच्छा दो, ये जो है एप्लीकेशन, अभी एक बार हम लोग बैक करके तब चलते हैं, तब चल आपको दिखाते हैं। अब जैसे हम लोग थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, अब हम लोग स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, ये आपका क्या हो गया, स्टेप एक अलग एप्लीकेशन खुल गया, देख रहे हैं बीच में आ गया आपका स्टेप अलग एप्लीकेशन, स्टेप अलग एप्लीकेशन को आप लोग चूज कर सकते हैं। एक तरफ व्हाइट बोर्ड को चूज कर सकते हैं, एक तरफ पीडीएफ, तो पीडीएफ एक तरफ आपका रहेगा और एक तरफ से आप व्हाइट बोर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग अभी कट कर देते हैं, समझ रहे बातों को। अभी हम लोग आते हैं फिर से वही व्हाइट बोर्ड जो सॉफ्टवेयर पे थे हम लोग। तो ये आपका पार्टीशन का है, ठीक है, पार्टीशन पहले था इसलिए वहाँ पे नहीं हो रहा था क्लिक, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं जो आप लोग सोचेगा जो बोर्ड में कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, समझ रहे बातों को ना। अब देखिए, अब बच्चा है कोई, उसको क्या पढ़ाना है, टेबल पढ़ाना, तो हम लोग यहाँ से टेबल वगैरह को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब जो भी है यहाँ से जितना बड़ा आपको लिखना है उतना बड़ा अपने आप ये होता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टेबल वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। अब कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज दैट एक चीज़ है ए, ठीक है, उसका चार पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज़ दे देंगे, इसका नाम है ए, ठीक है, इसका पार्ट कितना है चार, तो यहाँ पे तीन ही दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, एक क्लिक कर देंगे, ये चार पार्ट हो गया। क्या नाम हो सकता है उसका, एक का नाम बी दे देते हैं, एक का नाम सी दे देते हैं, ठीक है, एक का नाम डी दे देते हैं, यहाँ से आप लोग क्या देख सक रहे हैं, और एक का नाम ई दे देते हैं, ठीक है। ये आपका चार पार्ट हो गया, किसका चार पार्ट हो गया, ए, ए का। सर अब देखिए ना सर, इसमें जो हम लोग को जो है ना ई का दो पार्ट करना है, ई पे क्लिक करेंगे, जिसका दो पार्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक पार्ट हो गया, और फिर इसी में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ई का दो पार्ट हो गया, समझ रहे हैं बातों को। तो यहाँ से अच्छे तरीके से पार्ट वाइज आप पढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था, एक ए लिखना पड़ता था, फिर ए का जो है तीन पार्ट लिखना, तो ये उतना अच्छा ऑर्गेनाइज वे नहीं हुआ, क्या है, ऑर्गेनाइज वे उतना अच्छा से नहीं है, समझ रहे हैं बातों को। तो ये आपका ये हो गया। तो कितने बार, किसके बारे में हम लोग समझे, माइंड मैप के बारे में समझे। अब स्टिकी नोट्स, कोई भी चीज़ हमको पढ़ना है 4 बजे पढ़ना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले 4 बजे पढ़ना है, 4 PM में पढ़ना है, वो 4 PM लिख देते हैं, PM में पढ़ना है, हम लोग क्या लिख दिए, 4 PM में पढ़ना है। किस चीज़ को पढ़ना है, तो हम लोग सपोज दैट लिख देते हैं मैथ को पढ़ना है, क्या लिख देते हैं, मैथ को पढ़ना है। और जैसे ओके करेंगे तो ये राइट साइड में ऊपर में चला गया, यहाँ पे दिख रहा है ये 4 बजे हमको मैथ पढ़ाना है। अब यहाँ पे टॉपिक लिख सकते हैं कोई भी, तो स्टिकी नोट, एक नोट आप यहाँ पे बुक कर दिए, जिससे क्या होगा, जो आप भूलिएगा नहीं उस चीज़ों को पढ़ाना है, उस चीज़ों को, समझ रहे हैं ना। जैसे होता है टीचर कहते हैं जो आज जो है हम आप लोग को फार्मूला के बारे में बताएंगे 4 बजे, आप लोग याद दिला दीजिएगा, किसी को याद ही नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप नोट लिखा सकते हैं, कितना भी मिटाइएगा तो वहाँ मिटेगा नहीं, कितना भी इरेज कीजिएगा वहाँ इरेज नहीं होगा, समझ रहे हैं बातों को। तो ये आपका हो गया, स्टेप से हम लोग क्लीन ऑल कर देते हैं, अब आगे चलते हैं। तो ये हम लोग इसको जो है थोड़ा सा ऊपर करके इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में समझ गए,
पार्टीशन के बारे में समझ गए, टेबल के बारे में समझ गए, माइंड मैप के, स्टिकी नोट्स। अब है प्रीव्यू। सपोज दैट इसी पेज में हम लोग को कुछ भरना है, ठीक है, भर दिए पूरा, लेकिन अब जो जो चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ाए हुए हैं उसका जरूरत नीचे में भी होगा, तो अब हम लोग इसको ऊपर कर रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहा, तो हम लोग प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, हम लोग इसको ऊपर भी कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको सबको एक ही जगह लाना है, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये एक ही जगह आ गया। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग एक को कर देते हैं ऊपर, एक को कर देते हैं ऊपर, यहाँ हम लोग दो लिखते हैं। अब हमको एक और दो दोनों को जो है पार्ट को मिलाना है, जैसे कि स्टूडेंट देखने में दिक्कत ना हो। हम लोग प्रीव्यू पे आएंगे, थोड़ा छोटा उसको कर देंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक और दो दोनों देखिए दिख रहा है, एक भी दिख रहा है यहाँ पे, क्या है, एक भी यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो भी दिख रहा है। तो इस टाइप से प्रीव्यू मतलब होता है कि आपका बड़ा सा एक पेज मिल गया, लिखते रहिए, भरते रहिए, ऊपर करते रहिए, समझे। अब देखिए यहाँ से हम लोग समझ गए प्रीव्यू वगैरह के बारे में। अब है ग्रिड, क्या है ग्रिड, सपोज दैट आप इंग्लिश में राइटिंग सिखाते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। आप जैसे मेरा नाम है गंधर्व, क्या नाम है, GANDHARV, गंधर्व। अब मेरा नाम जितना बड़ा आप लिखते चलिएगा उतना बड़ा होते रहेगा, मेरा नाम है गंधर्व वत्स, ठीक है। कंपनी का नाम क्रिएटर्स माइंड, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रिएटर्स माइंड, CREATORS, क्रिएटर्स माइंड, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जितना बड़ा इधर भी करेंगे, जितना बड़ा उधर भी करेंगे, उतना बड़ा जो है दोनों तरफ होते रहेगा, ठीक है, उतना बड़ा होते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्रिड का ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे अंडो या रीडो। अब देखिए कोई भी चीज़ लिखे हैं, सपोज दैट लिखे हैं क्या चीज़, ए और बी, दो चीज़ लिखे हैं। अब हमको बी का जो ये लिखे हैं ना, बी का जो ये लिखे हैं, ये बाद में लिखे हैं, इसको हमको हटाना है, इसको हमको क्या करना है, हटाना है। तो हम लोग अंडो पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, फिर हमको जैसे ही उसको क्या करना है, बैक करना है, इसको हम लोग बैक कर देंगे, मतलब जो पहले लिखे थे वो सारा चीज़ यहाँ पे आपका हट जाएगा, यहाँ पे हट गया। फिर इसी को लाना है, रेडो कर देंगे, मतलब एक बैक, लिखने में लिखावट में एक बैक करना हो। यहाँ पे देखिए हम एक लिखते हैं, एक एक लिखे हैं आपको दो, अब हमको दो को हटाना है, अंडो कर देंगे, अब फिर दो को लाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, रेडो कर देंगे। तो ये फायदा है, सपोज दैट होता है ना, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, एक बैग क्या होगा, मिट गया वो, फिर उसी चीज़ को लाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, अंडो कर देंगे। अब देखिए पूरा पेज, बहुत सारा टीचर्स क्या होता है, पूरा पेज भर दिया, पूरा पेज भर दिया, ये क्या हो गया, गलती से क्लीन ऑल पेज क्लिक हो गया, अब क्या हो गया, वो सब चला गया, अब टीचर्स पता नहीं है, फिर से लिख रहे हैं। अब उसको ये चीज़, जो एक बार बैक हुआ है लिखावट, उसको एक बार अंडो कर देंगे, सारा आ गया, देखिए जो भी क्लीन ऑल पे क्लिक ये हुआ था, और फिर सबको हटाना है, रेडो कर देंगे, ठीक है। एक आगे एक पीछे, दो यहाँ पर दिया गया है। अब क्या है, यहाँ पे पेज ऐड करने वाला दिया गया है, अभी चार पेज ऐड है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कितना पेज ऐड है, चार पेज ऐड है। अभी हमको 10 पेज देना है, तो हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे 8x10, मतलब आठवां पेज पे हम लोग 10 पेज दे दिए हैं। अब पहला पेज पे हम लोग आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक लिख देते हैं, फिर दूसरा पेज पे हम लोग आते हैं, इस पे हम लोग क्या लिख देते हैं, दो लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा पेज पे आते हैं, हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग तीन लिख देते हैं। तो इस टाइप से अब हमको पहला पेज फिर जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहला पेज पे आ जाएंगे, ये आपका पहला पेज आ गया। जो भी पढ़ाए थे स्टूडेंट को, फिर से एक बार रिकॉल करना है, फिर से एक बार रिवीजन करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस टाइप से सारा चीज़ आप लोग फीचर्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज है, सब कुछ करने वाला है, ये सारा चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई परेशानी है, कुछ भी कर सकते हैं इस पर। तो डिजिटल बोर्ड का बहुत सारा फायदा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ रहा है दिक्कत चलाने में आपको, या डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, आप स्मार्ट क्लास बनवाना चाहते हैं, डिजिटल बोर्ड ले लिए लेकिन आप परेशान हैं, क्या करें, आगे नहीं करें, मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, आपको अपना खुद का एक ऐप बनवाना है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को, ठीक है। 9973725719 इस नंबर पर, इस नंबर पर बात कर दीजिए आप लोग, और ये जो है आपका क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग सेव कर दीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे PDF पे आप लोग कैसे पढ़ा सकते हैं, PPT पे कैसे पढ़ा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वीडियो बनने के बाद, ठीक है। तो आप हो सकता है लेट से वीडियो देख रहे होंगे, तो आगे आओगे उसका लिंक, उस पर भी चेक कर सकते हैं, या कमेंट कर दीजिए सर PDF पे पढ़ाना है, PPT पे पढ़ाना, और कोई भी वीडियो आपको चाहिए, PDF सर कैसे बनाए, PPT मोबाइल से कैसे बनाए, कुछ भी चाहिए वीडियो, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।